एंड ब्राउन, तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एंड इंडियन स्किन टोन पे यार ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। पूरी लिप्स की 12 बज गई आज तो। हाय माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, फाइनली आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं शेयर करने वाली हूँ माय टॉप 10 फेवरेट न्यूड लिपस्टिक शेड्स। सो बेसिकली मुझे खुद को न्यूड शेड्स लगाना बहुत पसंद है, एंड ऑलमोस्ट आप देखते होंगे कि मेरे वीडियोज़ में भी मैं न्यूड शेड्स ही लगाती हूँ, एंड मेरे पास बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है लिपस्टिक्स का। सो बेसिकली उनमें से जो टॉप 10 फेवरेट्स है मेरी, जो मैं रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ, वो ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। एंड यस, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एक लिंक आपको मिलेगा MHS का, तो उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर विद प्राइस डिस्प्ले हो जाएंगे, तो आपको ईजी रहेगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको पिक करना है। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। गाइस, जो फर्स्ट मेरी फेवरेट है, लिटरली जिसको मैं ऑलमोस्ट डेली अप्लाई करती हूँ, लाइक मैं नीचे जा रही हूँ थोड़ा सा वॉकिंग में, तो थोड़ा सा इसको टच कर लेती हूँ। सो यस, दिस इज फ्रॉम ब्रांड मेबली न्यूयॉर्क, एंड जो शेड है दैट इज 657 न्यूड न्यूएंस। काफी ज्यादा प्रिटी शेड है, आप इसकी हालत से देख सकते हो कि मैं इसको कितना ज्यादा यूज कर सकती हूँ। थोड़ी सी ये डर्टी हो रही है। यस, जितने भी शेड्स है मैं सारे आपको स्वॉच करके दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली फेस पे लगाने के बाद, इंडियन स्किन टोन पे लगाने के बाद कैसे लगते हैं वो। सो यस, ये जो फर्स्ट शेड है मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, एंड यू सी द कलर, लाइक एकदम ना ब्राउनिश रेड टच के अंदर है ये। पिंक बिल्कुल भी इसके अंदर टोन नहीं आ रही है, तो अगर आप एक न्यूड लिपस्टिक ले रहे हो ना, तो मेक श्योर कि उसके अंदर पिंक का टच कम आए, क्योंकि पिंक टच में ना वो थोड़ा सा अलग सा कलर दिखता है। अगर ब्राउन के साथ थोड़ा सा रेड कलर वाला मिक्स होगा ना, तो वो कलर बहुत प्रिटी दिखता है। और ये कलर बेसिकली मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि इसका शेड काफी ज्यादा डिफरेंट है, एंड बहुत कम प्राइस की है गाइस ये। यस, राइट नाउ मैंने यही अप्लाई किया हुआ है, एंड यू कैन सी लाइक लिप्स पे लगाने के बाद भी बहुत प्रिटी लगती है। इनफैक्ट आप अपने वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, साड़ीज वगैरह के साथ भी इसको कैरी कर सकते हो। सो यस, इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा लाइक क्रीमी टेक्सचर में है, बिल्कुल भी मैटिफाई नहीं करता है आपके लिप्स को, और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, काफ़ी लाइट फॉर्मूला है इसका। सो यस, नॉमिनल प्राइस में काफ़ी प्रिटी शेड है ये। नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ब्रांड स्विस ब्यूटी से, एंड जो शेड है दैट इज 04 हॉट चेरी। एंड ये थोड़ा सा आपको ना लाइक थोड़ा सा डार्क शेड में जाएगा, लाइक न्यूड है बट न्यूड के अंदर भी आपको थोड़ा सा डार्क टच अगर चाहिए ना, तो यू कैन गो फॉर दिस। मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, काफ़ी प्रिटी शेड है ये, थोड़ा सा डार्क में जा रहा है। तो ये अभी स्क्रीन पे थोड़ा सा रेडिश कलर में दिख रहा है, बट एज सच ये रेड टच में नहीं जाता है, ये थोड़ा सा न्यूड शेड ही है। सो मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। सी द कलर, लाइक रेड में भी नहीं है, मरून में भी नहीं है, ब्राउन में भी नहीं है, और पिंक में भी नहीं है, एकदम डिफरेंट सा शेड है, और लगाते ही ना फेस पे एकदम मस्त वाला ग्लो आ जाता है। तो यस, ये ट्रांसफर प्रूफ एंड किस प्रूफ नहीं है, ये नॉर्मली आपको 2 से 3 घंटे अगर आपको लिपस्टिक लगानी है ना, तो आप ये लगा सकते हो। बट फॉर्मूला इसका काफी ज्यादा अच्छा है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में है, ड्राई नहीं करता है, एंड यू कैन सी मतलब लिप्स पे लगाने के बाद भी ना हाइड्रेट लगते हैं आपके लिप्स। सो यस, दिस इज माय नेक्स्ट शेड, एंड सो यस, ये भी बहुत ज्यादा प्राइसी नहीं है, नॉर्मल प्राइस में है। एंड जो नेक्स्ट शेड है गाइस, वो है ब्रांड इनसाइड से। तो बेसिकली मैं आपको ऑलमोस्ट ना सारे ब्रांड्स को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो इनसाइड की ये लिक्विड लिपस्टिक है, एंड जो शेड है दैट इज 11 कॉफी डिमांड। ये एकदम ना ब्राउनिश कॉफी कलर जो होता है वैसा है, एंड ट्रस्ट मी इसकी फ्रेग्रेंस भी एकदम वैसी है। सो यस यस, दिस इज द कलर, लाइक एकदम ना कॉफी टाइप का कलर है, यू कैन सी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। एंड लिक्विड लिपस्टिक्स ना गाइज काफी ज्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, वाटर प्रूफ होती है। ऑलमोस्ट मैंने जितनी भी ब्रांड्स की अभी तक लिक्विड लिपस्टिक लगाई है ना, काफी लंबे समय तक चलती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि कोई जल्दी से ड्राई आउट हो जाती है, केकी केकी लगते हैं आपके लिप्स। सो अगर आप बहुत ज्यादा लेयर अप कर देते हो ना, तो फिर आपके लिप्स ना आपको ड्राई एंड चैप्ड लगेंगे। सो लिक्विड लिपस्टिक को हमेशा कभी भी लेयर अप मत करो, एक ही सिंगल कोट लगाओ। तो चलिए इसको भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं आपको। सी द कलर, एकदम कॉफी जटाक ब्राउन टाइप का कलर है ये, और काफी अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंट सा कलर है, आपको बहुत कम ये वाला शेड मिलेगा। तो अगर आप रेड या पिंक इस तरह के कलर आपको पसंद नहीं है ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, एकदम डिफरेंट है। और यस, फॉर्मूला इसका काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट लिपस्टिक गाइज वो है ब्रांड शुगर से, एंड आई लव शुगर के क्रेयॉन्स, मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास 4 से 5 क्रेयॉन है शुगर के, एंड जो शेड है दैट इज 17 ब्रांडी हेरिक्टन। सो बेसिकली ये एकदम न्यूड कलर है, काफी प्रिटी सा
पिंकिश ब्राउनिश कलर है ये, आप देख सकते हो। सो यू कैन सी इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रिटी ये लग रहा है। सो एकदम जो होता है ना पिंक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में कोई कलर लगता है आपको, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड शुगर के क्रेयॉन्स गाइस बहुत सुपर होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इनफैक्ट इनका फॉर्मूला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम क्रीमी, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करते हैं और बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं लगता है कि चिपचिप सी हो रही है लिप्स पे या कोई हैवी लग रहा है, वैसा भी नहीं है। सो यस, इसको मैं आपको लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ। दिस इज द परफेक्ट न्यूड शेड, लाइक थोड़ा सा पिंक अंडरटोन के अंदर है, पिंक और ब्राउन का मिक्स है, लेकिन फेस पे लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपकी पिगमेंटेड लिप्स भी है ना तो भी आप इस टाइप के कलर यूज कर सकते हो। एंड इंडियन स्किन टोन पे यार ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। सो फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ट्रस्ट मी, अगर अभी तक आपने शुगर के लिप क्रेयॉन्स ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। 799 की रेंज के अंदर है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट वर्थ है, लाइक उतना ही पिगमेंटेड होते हैं, उतना कम ही आपको यूज़ करना पड़ता है और उतना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक बार अगर आपने लगा लिया ना तो 6 से 7 घंटे आपको रीअप्लाई करने की नीड नहीं है। अगर आप लाइक मील्स भी ले रहे हो ना तो भी आपके लिप्स पे ये स्टे करेंगे। सो यस, एंड शुगर का नेक्स्ट क्रेयॉन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली मेरे पास 4 से 5 है बट वो थोड़े से न्यूड शेड में नहीं है तो मैंने 2 ही इसको इंक्लूड किए हैं। तो जो नेक्स्ट शेड है दैट इज 25 लिली आर्डिन, एंड ये कुछ ना इस तरह का शेड है। ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में है, लाइक ब्राउन टच इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पिंक कलर के न्यूड शेड पसंद है ना तो यू कैन गो फॉर दिस, काफी प्रिटी शेड है। इनफैक्ट अगर आपकी फेयर टू मीडियम स्किन टोन है या डस्की स्किन टोन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से मैं आपको लिप्स पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। कलर लाइक बिल्कुल भी ब्राउनिश टच के अंदर नहीं है, एकदम परफेक्टली पिंक न्यूड शेड आपको चाहिए ना तो आप ये वाला जरूर से ट्राई कर सकते हो। लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला भी। जो नेक्स्ट शेड है गाइस वो है ब्रांड मेबलिन से। मेबलिन की ऑलमोस्ट मेरे पास 8 से 10 लिपस्टिक्स है। मेबलिन की लिपस्टिक्स मुझे पर्सनली खुद को बहुत अच्छी लगती है। सो यस, ये है मेबलिन सुपर स्टे इंक क्रेयॉन, इसका जो शेड है दैट इज 05 लिव ऑन द एज। तो ये एकदम ब्राउन न्यूड कलर है, लाइक जैसे ये था ना एकदम पिंक न्यूड कलर, वैसा ही ये कलर है एकदम ब्राउन में। इसके इनफैक्ट इसके अंदर भी किसी भी तरह का कोई टच नहीं है, ना पिंक टच है ना रेड टच है, ये अपने आप में एकदम ब्राउन न्यूड कलर है। सो या परफेक्टली ब्राउन न्यूड शेड, काफी अच्छा है। इनफैक्ट शुगर का ये जो रेंज है ना सुपर स्टे वाली, इनकी क्रेयॉन्स और इनकी लिक्विड लिपस्टिक दोनों ही बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप माइसलर वाटर से रगड़ रगड़ के निकालोगे ना तो निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। सो या दिस इज द शेड, काफी ज्यादा प्रिटी है, एकदम ब्राउन न्यूड कलर है। ये हर इंडियन स्किन टोन पे ये वाला शेड काफी मस्त लगता है। इनफैक्ट आप नॉर्मल डेज में भी लगा सकते हो, पार्टी फंक्शन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, सारे आउटफिट्स के साथ इस तरह के शेड काफी जाते हैं। वन है दैट इज अगेन फ्रॉम ब्रांड मेबलिन और ये है मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक, एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड इसका जो शेड है दैट इज 80 रूलर, एंड जो नेक्स्ट है दैट इज 15 लवर। रूलर एंड लवर दोनों ही मैं आपको साथ में ही स्वॉच करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ दैट इज 80 रूलर। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पिंकिश ब्राउनिश न्यूड कलर, एंड जो नेक्स्ट वन है टोटली पिंक न्यूड कलर है, लाइक बहुत जटाक वाला पिंक नहीं है बट न्यूड के अंदर एक जो पिंक टच आता है ना वो वाला ये कलर है। सो यस, दिस इज द शेड नंबर 80 एंड दिस इज शेड नंबर 15। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा डार्क के अंदर है, डार्क पिंक ब्राउनिश न्यूड कलर है और ये एकदम जो पिंक न्यूड कलर होता है ना बेबी पिंक सॉर्ट ऑफ टाइप, वैसा इसका कुछ शेड है। सो बेसिकली दोनों ही बहुत प्रिटी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेबलिन की जो सुपर स्टे रेंज है लिटरली मतलब निकालोगे ना तो भी नहीं निकलेगी। यस, थोड़ा सा ये क्रैकी करती है अगर आपने डबल लेयर लगा दिया तो, बट वैसे ना एक सिंगल लेयर अगर आप लगाओगे ना तो ये बहुत सही लगेगी। तो यस, ये एकदम बेबी पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है, तो अगर आपका फेयर स्किन टोन है ना तो आप पे बहुत अच्छी लगेगी। फॉर्मूला वाइज काफी अच्छा है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। यस, आप लिप्स पे लगाओगे ना विद इन सेकेंड्स में ये ड्राई आउट हो जाएगा बट एकदम ड्राई नहीं करता, आपकी स्किन को मैटिफाई लुक देता है। यस, अगर आपने इसकी डबल ट्रिपल लेयर लगा दी तो फिर आपकी लिप्स थोड़े से क्रैकी व्रैकी दिखेंगे। या दिस इज द शेड, एंड नेक्स्ट शेड भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ बट इसको उतारना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वैसे अभी पूरी ड्राई आउट नहीं हुई है, आई थिंक उतर जानी चाहिए। सो मैंने माइसेलर वाटर भी लिया है, उसके बाद ये देखिए उतर गई है, फिर भी ना
पे बहुत गुस्सा आता है, इस तरह के लिपस्टिक्स का जो उतरते नहीं है यार। यस, एंड जो नेक्स्ट शेड भी है वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा शेड है एंड यस, अगर आपको थोड़ा सा डस्की स्किन टोन है तो आप ये वाला शेड ट्राई कर सकते हो। सी लाइक इसमें ब्राउन ब्राउन टच बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली एकदम पिंक न्यूड लिपस्टिक है। यस, थोड़ा सा पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है बट लगाने के बाद बिल्कुल डिफरेंट सा कलर आ रहा है। यू कैन ट्राई दिस अगर आपकी थोड़ा सा डस्की या मीडियम स्किन टोन है। यस, फेयर पे तो ऑब्वियसली सारे शेड्स अच्छे लगते हैं बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मीडियम एंड डस्की स्किन टोन वालों को, तो ये शेड उन पे बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन सी लाइक लगाने के बाद फेस पे एकदम ग्रेस आ गई है इसको। दिस इज माई फेवरेट शेड, मतलब मैं बहुत अप्लाई करती हूँ इसको। लिपस्टिक है गाइज दैट इज फ्रॉम ब्रांड नायका एंड ये छोटू सी मिनी लिपस्टिक है मेरे पास, तो इसका मैं आपको पहले ना शेड दिखा देती हूँ। ये भी सम सॉर्ट ऑफ पिंक टाइप का ही है बट ये पिंक और पीच का कॉम्बिनेशन है। सी दिस, ये जो कलर है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है, इसके अंदर आपको पिंक पीच एंड ब्राउन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये भी काफी प्रिटी लगेगा फेस पे लगाने के बाद, तो चलिए फटाफट से मैं आपको लिप्स पे लगा के दिखा देती हूँ। न्यूट काइंड ऑफ शेड लेकिन लेस लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट शेड है, एकदम लाइट सा है। सो अगर आप डेली टाइप में कोई लिपस्टिक लगाना चाह रहे हो ना तो इस तरह की शेड आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा ड्राई है, लाइक जब आप इसको अप्लाई करोगे ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम क्रीमी टेक्सचर नहीं है इसका। सो मुझे इसके बाद ही ना मैंने नायका की लिपस्टिक लेना बंद कर दिया। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट परचेज लिपस्टिक फ्रॉम नायका, सो मुझे थोड़ा फॉर्मूला वाइज कम अच्छा लगा था बट लगाने के बाद अच्छा लग रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो या गाइज दैट्स ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो। सो बेसिकली आप ये शेड्स देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो काफी सिमिलर लग रहे हैं बट ऑलमोस्ट जो न्यूड लिपस्टिक्स होती है उसके अंदर आपको या तो पिंक न्यूड मिलेगा या ब्राउन टच में मिलेगा या थोड़ा सा रेड एंड पिंक के न्यूड कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो ओवरऑल जितने भी शेड्स हैं न्यूड में मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में आपको इंक्लूड कर सकूं। सो दीज ऑल आर माय लिपस्टिक शेड्स। सो यस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, इनमें से अगर आपको कोई भी अच्छा लगा हो, कुछ भी लेना हो तो अमेजोन पे ऑलमोस्ट लिपस्टिक्स पे ना अच्छा वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आपको शुगर के क्रेयॉन्स पे भी आई थिंक 40 से 50 रुपीस का ऑफ मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको ये जो मेबलिन के लिक्विड लिपस्टिक्स है या फिर इनके क्रेयॉन्स है मेबलिन वाले, ये तो आपको काफी कम प्राइस में लाइक 300-350 के अंदर ही मिल जाएंगे। सो ये रेंज आप जरूर से ट्राई कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक को चाहिए ना, तो मेबलिन की ये जो सुपर स्टे वाली रेंज है ये काफी ज्यादा अच्छी है। सो या गाइज दैट्स ऑल अबाउट इन टूडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूँ। सो या वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।